नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। रक्षाबंधन का त्योहार है, हर तरफ खुशियों की बौछार है और बंधा एक रेशम की डोरी में भाई बहन का प्यार है। मुबारक हो आप सभी को रक्षाबंधन का यह त्योहार। जहां पूरे देश में रक्षाबंधन का त्योहार आज यानी सोमवार को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, वहीं हरियाणा के करनाल जिला में भी रक्षाबंधन के अवसर पर बहनों ने भाइयों की कलाइयों पर राखियां बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना की। शहर सहित क्षेत्र में रक्षाबंधन का पर्व उत्साह के साथ मनाया गया। बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर लंबी उम्र की कामना की तो भाइयों ने भी बहनों के रक्षा का संकल्प दोहराया। क्षेत्र में रक्षाबंधन को लेकर सुबह से ही उत्साह का माहौल बना रहा। इस बार राखी का मुहूर्त सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक का रहा है। रक्षाबंधन के लिए बहनें रविवार से ही पीहर पहुंचनी शुरू हो गई थी। सोमवार को भी कई बहनें अपनी पीहर पहुंची। बहनों ने भाइयों की राखी बांधकर लंबी उम्र की कामना की। राखी का त्योहार कब शुरू हुआ यह कोई नहीं जानता, लेकिन भविष्य पुराण में वर्णन मिलता है कि देव और दानवों में जब युद्ध शुरू हुआ तब दानव हावी होते नजर आने लगे। भगवान इंद्र घबरा कर बृहस्पति के पास गए। वहां बैठी इंद्र की पत्नी इंद्राणी सब कुछ सुन रही थी। उन्होंने रेशम का धागा मंत्रों की शक्ति से पवित्र करके अपने पति के हाथ पर बांध दिया। सहयोग से वह श्रावण पूर्णिमा का दिन था। लोगों का विश्वास है कि इंद्र इस लड़ाई में इसी धागे की मंत्र शक्ति से ही विजयी हुए थे। उसी दिन से श्रावण पूर्णिमा के दिन यह धागा बांधने की प्रथा चली आ रही है। यह धागा धन, शक्ति, हर्ष और विजय देने में पूरी तरह से समर्थ माना जाता है। तो वहीं इतिहास में जिसमें युद्ध के दौरान श्री कृष्ण की उंगली घायल हो गई थी, श्री कृष्ण की घायल उंगली को द्रौपदी ने अपनी साड़ी में से एक टुकड़ा बांध दिया था और इस उपकार के बदले श्री कृष्ण ने द्रौपदी को किसी भी संकट में द्रौपदी की सहायता करने का वचन दिया था। स्कंद पुराण, पद्म पुराण और श्रीमद् भागवत में वामन अवतार नामक कथा में रक्षाबंधन का प्रसंग मिलता है। कथा कुछ इस प्रकार से है। दानवेंद्र राजा बलि ने जब 100 यज्ञ पूर्ण कर स्वर्ग का राज्य छीनने का प्रयत्न किया तो इंद्र आदि देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब भगवान वामन अवतार लेकर ब्राह्मण का वेश धारण कर राजा बलि से भिक्षा मांगने पहुंचे। गुरु के मना करने पर भी बलि ने 3 पग भूमि दान कर दी। भगवान ने 3 पग में सारा आकाश, पाताल और धरती नाप कर राजा बलि को रसातल में भेज दिया। इस प्रकार से भगवान विष्णु द्वारा बलि राजा के अभिमान को चकनाचूर कर देने के कारण यह त्योहार बलेव नाम से भी प्रसिद्ध है। तो वही कहते हैं कि एक बार बलि रसातल में चला गया, तब बलि ने अपनी भक्ति के बल से भगवान को रात दिन अपने सामने रहने का वचन ले लिया। भगवान के घर ना लौटने से परेशान लक्ष्मी जी को नारद जी ने एक उपाय बताया। उस उपाय का पालन करते हुए लक्ष्मी जी ने राजा बलि के पास जाकर उसे रक्षाबंधन बांधकर अपना भाई बनाया और अपने पति भगवान बलि को अपने साथ ले आई। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि थी। विष्णु पुराण के अनुसार एक प्रसंग में कहा गया है कि श्रावण की पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु ने हयग्रीव के रूप में अवतार लेकर वेदों को ब्रह्मा के लिए फिर से प्राप्त किया था। हयग्रीव को विद्या और बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। रक्षाबंधन को लेकर बच्चों में भी उत्साह रहा। छोटी बालिकाओं ने अपने भाइयों को राखी बांधी। कई महिलाओं के पीहर नहीं आने पर उनके भाइयों ने वहीं जाकर राखी बंधवाई। रक्षाबंधन के चलते शहर में चहल पहल अधिक रही। राखियों के साथ मिठाइयों की खरीद भी हुई। रक्षाबंधन पर महिलाओं के राखी बांधे जाने से रोडवेज बसों के साथ निजी बसों में भी दिन भर भारी भीड़ रही।
लेकर मार्केट में रखी तो हर किस्म लेकर बहुत ही मतलब जैसे पहले भीड़ भाड़ रहती थी इस बार भीड़ बहुत कम है और जैसे मतलब जो माहौल है पहले से काफ़ी बेकार है, आगे लगाने भी नहीं दे रहे बल्कि पुलिस वाले इनको भी मना करते हैं। तो भीड़ भाड़ है, लोग आ रहे हैं रखने में, लोग बहुत कम आते हैं, पहले काफ़ी भीड़ थी कोरोना करके बहुत कम भीड़ है। तो इस बार बाजारों में रौनक मेला कैसा है, आपकी बिक्री कैसी है? कम है इस बार कस्टमर है नहीं, और संडे को खुल तो गई है मगर वो मजा नहीं है। तो क्या कारण है इस बार ना होने का? कुछ भी निकालो, जैसे बसें नहीं चल रही है, कुछ भी इस वजह से हो सकता है, कोई ना कोई नहीं आता। कोरोना की महामारी के चलते कोई बड़ा असर पड़ा है इस पर? हाँ हो सकता है, क्योंकि बसें चलती हैं ना, चलो वही गाँव का भी आ जाता है, अब गाँव है ही नहीं तो बिल्कुल रौनक मेला कुछ नहीं है यहाँ पे, सामने ही है खाली है। क्या नाम है आपका? रजिंदर। आप करनाल से ही हैं? हाँ जी। कितने समय से लगा रहे हैं? ये हो गया मुझे 5-7 साल हो गए। तो हर बार ही कैसा देखने को मिलता था? हर बार तो बहुत अच्छा होता है, इस बार कुछ भी नहीं, इस बार नहीं है। जेल में भी रक्षाबंधन का यह त्योहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। हालांकि इस बार कोरोना महामारी को लेकर बाजारों में रौनक कम दिखी, लेकिन एक बहन ने बड़े ही प्रेम प्यार से अपने भाई की कलाई पर राखी बांधी। तो वहीं आपको बता दें कि रक्षाबंधन और श्रावण पूर्णिमा ये दो अलग अलग पर्व हैं, जो उपासना और संकल्प का अद्भुत समन्वय है और एक ही दिन मनाए जाते हैं। पुरातन व महाभारत युग के धर्म ग्रंथों में इन पर्वों का उल्लेख है। यह भी कहा जाता है कि देवासुर संग्राम के युग में देवताओं की विजय से रक्षाबंधन का त्योहार शुरू हुआ। इसी संबंध में एक और किंवदंती प्रसिद्ध है कि देवताओं और असुरों के युद्ध में देवताओं की विजय को लेकर कुछ संदेह होने लगा। तब देवराज इंद्र ने इस युद्ध में प्रमुखता से भाग लिया था। देवराज इंद्र की पत्नी इंद्राणी श्रावण पूर्णिमा के दिन गुरु बृहस्पति के पास गई, तब उन्होंने विजय के लिए रक्षाबंधन बांधने का सुझाव दिया था। तब देवराज इंद्र राक्षसों से युद्ध करने चले, तब उनकी पत्नी इंद्राणी ने इंद्र के हाथ में जो रक्षा सूत्र बांधा था, जिससे इंद्र विजयी हुए थे। काफी अनेक पुराणों में श्रावणी पूर्णिमा को पुरोहितों द्वारा किया जाने वाला आशीर्वाद कर्म भी माना जाता है। ये ब्राह्मणों द्वारा यजमान के दाहिने हाथ में बांधा जाता है। आपको बता दें कि मध्ययुगीन भारत में हमलावरों की वजह से महिलाओं की रक्षा हेतु भी रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। यह एक धर्म बंधन था, तभी से महिलाएं सगे भाइयों या मुंह बोले भाइयों को रक्षा सूत्र बांधने लगी। श्रावणी पूर्णिमा के दिन जल देवता वरुण की आराधना की जाती है। इसी दिन बहन तिलक अक्षत लगाकर भाई की कलाई पर राखी बांधती है और फल और मिठाई खिलाती है। भाई भी श्रद्धा से अपनी सामर्थ्य के अनुसार बहन को वस्त्र, आभूषण, द्रव्य और अन्य वस्तुएं भेंट में देता है। जहां एक श्रावणी के दिन रक्षाबंधन पर्व का सवाल है, यह श्रावणी को होने वाला एक पर्व है। रक्षाबंधन को सलोनों के नाम से भी पुकारा जाता है। यह भी कहा जाता है कि श्रावणी के दिन पवित्र सरोवर या नदी में स्नान करने के पश्चात सूर्यदेव को अर्घ देना इस विधान का आवश्यक अंग है। गांव के आसपास नदी ना होने की स्थिति में इस दिन कुएं बावड़ी पर भी इसकी आराधना की जाती है। इस दिन पंडित लोग पुराने जनेऊ का त्याग कर नया जनेऊ धारण करते थे। हिंदू धर्म में रक्षाबंधन का त्योहार काफी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इसी दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई में राखी बांधती हैं और उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबे जीवन की कामना करती हैं। तो वहीं आपको यह भी बताते चले कि कोरोना महामारी के चलते बाजारों में भी रौनक कम दिखाई दी। दुकानदारों ने बताया कि इस बार रक्षाबंधन के अवसर पर बाजारों में रौनक फीकी रही, क्योंकि कोरोना महामारी के चलते लोग बाजार में आ नहीं रहे एवं कुछ लोग आते हैं वह भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखकर खरीदारी करते हैं, इसीलिए इस बार सभी त्योहार लगभग फीके रहे हैं। खैर कुछ भी हो, भाई बहन ने बड़े ही प्रेम प्यार के साथ यह त्योहार मनाया और बहनों ने अपने भाई की कलाई पर राखी भी बांधी। आसमान पर सितारे हैं जितने उतनी जिंदगी हो तेरी, किसी की नजर ना लगे दुनिया की हर खुशी हो तेरी, रक्षाबंधन के दिन भगवान से बस यही दुआ है मेरी। नमस्कार।
ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।